आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। एक और बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान हमारी टीम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपकी प्रार्थना की जो भी निवेदन है आप उनके साथ हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आपके साथ प्रार्थना करके हमें बहुत खुशी मिलेगी। आशा करते हैं ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। मेरे साथ पहले इतिहास का किताब खोलें, द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स, द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4। हम 9वें वचन से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 9 से लेकर हम पढ़ेंगे वचन 10 तक, ठीक है? दो वचन है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 9 से 11। एक्चुअली याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित, याबेज अपने भाइयों से अधिक क्या था? प्रतिष्ठित हुआ। आगे, और अपनी मात और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचाए रखता कि मैं पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। Amen. You know, Bible कहती है, the Bible says, Jabez was more honorable amongst his brothers. याबेज जो था अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था, सबसे ज्यादा उसकी इज्जत थी, सबसे ज्यादा लोग उसको मान देते थे। लेकिन उसकी माँ ने उसका नाम याबेज रखा था ये कहकर कि मैंने जब इसे जन्म दिया, मैंने इसे पीड़ा में जन्म दिया, मैंने इसे दर्द में जन्म दिया। आमीन। और याबेज परमेश्वर के सामने जो है आवाज लगाता है, परमेश्वर के सामने दुआ करता है, वो कहता है, प्रभु तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे आशीष दे। वो कहता है, प्रभु तू मुझे आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी सरहदों को तू बढ़ा कर, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ बना रहे। वो कहता है, प्रभु तू मुझे बुराई से बचा ताकि मुझे और दर्द इसमें से ना मिले। Amen. Now, as I was, and can you imagine, this is the only verse written about Jabez in the Bible. पूरे बाइबल में याबेज के विषय में सिर्फ यही 2-3 पंक्तियां लिखी हुई हैं। I was trying to understand what is it that the word is telling us directly about Jabez. याबेज के विषय में परमेश्वर का वचन खुले रीति से हमें क्या बातें सिखाता है? You know, अगर आप ये अध्याय शुरुआत से पढ़ेंगे, if you read the chapter 4 from the beginning, it talks about the writer. You know, scholars say it was Ezra who wrote the book of Chronicles. Ezra जो था उसने पहले इतिहास और दूसरे इतिहास की किताबें लिखी, ऐसे बहुत सारे जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं। And all of a sudden he is writing about the descendants of Judah. Ezra जो है यहूदा का जो परिवार है उसके विषय में लिख रहा है कि यहूदा के पुत्र कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, उनकी पीढ़ियां क्या थी। वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी लोगों के नाम लिखे जा रहा है। वो बता रहा है कि कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, किसने किसको जन्म दिया। और कई परिवारों का नाम लिखने के बाद, कई परिवारों का उल्लेख करने के बाद, आफ्टर राइटिंग अबाउट अ लॉट ऑफ फैमिलीज ही कम्स टू जाबेज। And when all of a sudden he reaches the name of Jabez, all of a sudden Ezra says, I've got to give some details about this person. Amen. You know, जब सबका नाम लिखा जा रहा है, जब सबका खाली बाप का नाम बेटे का नाम लिखा जा रहा है, उसके बीच में अगर परमेश्वर ने एज़रा को जो है ऐसा ऐसा करने पर विवश किया कि वो याबेज के बारे में कुछ डिटेल्स दे, मतलब याबेज की जिंदगी ने कुछ ना कुछ तो असर कहीं ना कहीं पर छोड़ा होगा। उसकी जिंदगी में उसने कुछ ना कुछ किया था जिसके कारण परमेश्वर ने ये जरूरी समझा कि उसकी जिंदगी के बारे में कुछ लिखा जाए। हालेलुया। जहां सैकड़ों के हिसाब से नाम लिखे जा रहे हैं, एक व्यक्ति की कहानी लिखी गई है। आमीन। सैकड़ों लोग यीशु मसीह के पीछे चले,
कई लोग आज की पीढ़ी में भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग जीसस. आई डोंट नो अबाउट हाउ मेनी पीपल विल ओनली बिकम अ नेम, बट आई डिजायर दैट वी make a name that will be written along with the history that we create in this generation. Amen. मुझे सिर्फ एक नंबर बन के नहीं रहना है, मुझे सिर्फ एक नाम बनकर नहीं, इस मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर मेरा नाम किसी को याद रहे, अगर याद रहे तो उनको ये याद रखे कि मेरी गवाही क्या थी. मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहे कि विजय फला फला साल में पैदा हुआ था, फला फला साल में मर गया, या विजय ने ये किया या विजय ने वो किया. मैं ये चाहता हूं कि ये लोग ये याद रखे कि यार पता नहीं बंदे का नाम क्या था मगर उसने ये काम किया था. Amen. There's something that Jabez did that forced God to write about him. Amen. And the Bible, the few things that we learn about Jabez is, number one, he is from the house of Judah. Pehli cheez jo hum Jabez ke bare mein seekhte hain wo ye ke wo Yehuda ke khandan ka tha. Amen. Yehuda jo Israel ke 12 beto mein se ek tha, aur ye Yehuda ke gotra se, Yehuda ke khandan se Jabez tha. दूसरी चीज हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं, जो बाइबल हमें सिखाती है कि जाबेज एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था. आमेन. सेकंड थिंग वी लर्न इज जाबेज वाज अ प्रेइंग मैन. हाउ डू आई नो? बिकॉज द बाइबल सेज ही प्रेड. यू नो, आई डोंट केयर व्हाट दे से अबाउट यू, बट इफ दे कैन से दैट यू प्रेड, इट इज गुड इनफ. Hallelujah. There is one thing that everybody knows about Jesus is that he was a prayerful man. See, there was a lot of suspense around Jesus. There was a lot of suspense about where he came from, who his father was. But one thing nobody could deny, ek cheez log yeshu masi ke bare mein kabhi bhi inkar nahi kar sakte the, aur wo ye thi ki wo prarthana ka vyakti tha. Hallelujah. Amen. और ये चीज हम याबेस के बारे में भी सीखते हैं. नंबर एक कि वो यहूदा के खानदान से था. दूसरा, सेकंड थिंग वाज दैट ही वाज अ प्रेयरफुल मैन. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था. Amen. तीसरी चीज जो हम यहूदा के विषय में सीखते हैं, जानते हैं, सॉरी जाबेस के बारे में सीखते हैं, वो ये कि उसकी माँ ने उसका नाम जाबेज रखा था ये कहकर कि मैंने जब इसे जन्म दिया मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, मुझे बहुत दर्द हुआ था, जिसके कारण मैं इसका नाम जाबेज रखती हूं. जाबेज का मतलब क्या होता है पता है? जाबेज का मतलब होता है दर्द. मगर उसकी अपनी मां ने उसका नाम यह रखा कि मैंने जब इसे जन्म दिया मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई, इसीलिए मैं इसका नाम दर्द ही रख देती हूं. हालेलुया. नाउ इन दोज डेज a name was actually a person's biodata, if I can say. क्योंकि किसी के नाम से उसका चरित्र पता चलता था. उसके नाम से, you know, आज भी लोग आपके नाम से आपका फ्यूचर कैसा होगा. बहुत सारे लोग, you know, आजकल मैं देखता हूं मॉल वॉल में भी आपके नाम में एक अक्षर और जोड़ लो, क्योंकि वो समझते हैं नाम में एक अक्षर जोड़ने से आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या प्रेजेंट में कुछ हो जाएगा. कई लोग आपके नाम से आपका फ्यूचर डिक्टेट कर देते हैं. एंड पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद जाबेज विद दिस नेम कॉल्ड पेन. एवरीवेयर ही वेंट पीपल सेड दिस गाय कॉजेस पेन, यू नो. And it's not outsiders who are saying this. His own mother said this. उसकी अपनी माँ ये कहती है कि इसके वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ है. ना, मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु, हर माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको दर्द में ही जन्म देती है. इसके विषय में इतना दर्द क्या बढ़ गया था कि उसकी माँ ने इसका नाम दर्द रख दिया.
ना उसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है, और शायद उसकी माँ को उतना ही दर्द हुआ होगा जितना किसी और माँ को होता है किसी बच्चे को जन्म देता हुए, मगर उसको शायद वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ होगा और उसने अपने बेटे का नाम ही दर्द रख दिया। तो मुझे क्या समझ में आता है, एक और चीज मुझे इससे समझ में आता है कि बाकी कुछ हो ना हो, वो एक टूटा हुआ व्यक्ति था। If there is nothing else we can understand one thing, that nobody who is called pain can be whole in his heart. So I know for sure that Jabez was a broken man. You know? And in that brokenness, one day he called on the name of the God of Israel. Ek din usne Israel ke parmeshwar ko pukara. Hallelujah. Aur shayad aur bahut sari jagahein thi jahan parmeshwar ke samne usne prarthana mein awaaz uthai hongi, magar ye ek jagah hai, ye uski ek prarthana hai jiske vishay mein yahan par likha gaya hai. He says, "Oh God, would you please bless me?" Wo keh raha hai, "Prabhu, मुझे आशीष दे." कौन कह रहा है? जाबेज कह रहा है। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है कि भले ही उसका नाम दर्द है, उसके बारे में एक और चीज लिखी गई है कि उसके सारे भाइयों में उसकी सबसे ज्यादा इज्जत थी, लोग उसको सबसे ज्यादा मान देते थे। ही वॉज मोर ऑनरेबल than any of his brothers. Now that is very interesting. ये चीज़ बहुत ही दिलचस्प है। क्यों पता है? क्योंकि यहूदा का परिवार ऐसा परिवार है, खानदान ऐसा परिवार है कि इस खानदान में भाइयों ने सिर्फ भाइयों को धोखा दिया है, भाइयों के बीच आदर नहीं है, भाइयों के बीच में इज्जत नहीं है। How do I know that? Because I know from reading Genesis, मुझे पता चलता है कि यहूदा वो था जिसने अपने भाई यूसुफ को बेचने का प्रोग्राम बनाया था। उत्पत्ति 37वां अध्याय उसका 26 और 27 वचन यूं कहता है कि यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अपने भाई को मारकर हमें क्या लाभ होगा, इसका खून हमारे हाथों पर ना आए। क्या करते हैं? वो कहता है, चलो हम इसको जो इश्माइली लोग हैं उन्हें बेच देंगे। Who said this? Judah said it. Jabez's grandfather, great great grandfather, उसके दादा परदादा जो यहूदा था, उसने अपने ही भाई को जब बेचने का प्लान बनाया, क्या उसमें आदर था कहीं पर? नहीं था। लेकिन उसी के खानदान में कई पीढ़ियों के बाद जाबेस पैदा होता है जिसका नाम भले ही दर्द है मगर उसके जीवन से आदर छलकता है। आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, आपके विषय में लोगों ने कुछ भी कहा हो, आपके खानदान का इतिहास कुछ भी क्यों ना हो, मैं ये विश्वास करता हूं और मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं कि आपके जीवन से लोगों को आदर मिलेगा, आपके जीवन से लोग आदर जानेंगे, आपके जीवन से लोग आदर सीखेंगे। आमीन। Here is a household which has a history of brothers betraying brothers. But many years later, many generations later, comes Jabez who says, and this is people's testimony of him, that he was honorable. Maybe others did not treat him well, but he treated them well. Shayad logo ne uska aadar nahi kiya tha, magar usne logo ka aadar kiya tha. शायद लोगों ने उसका मजाक बनाया होगा मगर याबेस के पास मौका था लोगों का मजाक उड़ाने का, शायद फिर भी उसने मजाक नहीं किया लोगों का। इसके लिए लोगों ने कहा अपने भाइयों में वो सबसे ज्यादा मान पाया करता था। He was more honorable. Why am I saying that it was Jabez and his family, Judah and his family that has a history? Because much before Judah,
Judah's father betrayed his own brother. यहूदा का पिता कौन था? याकूब. उसने भी अपने भाई को क्या किया? धोखा दिया. आज तक मुझे पता नहीं मसीही दुनिया में क्या हो रहा था कि भाई भाई को सेवकाई के मौकों के लिए ठग रहा था. लेकिन मैं विश्वास करता हूं हम वो पीढ़ी है जो भाई एक दूसरे के अंदर आदर बोएंगे. Hallelujah. What I learn out of Jabez is he broke a cycle. He broke a cycle that jo mere baap dada ke saath hua, jo mere baap dada ke karan hua, wo mere saath nahi hoga, wo meri wajah se nahi hoga. Hallelujah. मेरे बाप दादाओं ने जो गलती की थी मैं नहीं दोहराऊंगा. हमसे पहले जो अगुए थे उनसे जो गलतियां हुई हम नहीं दोहराएंगे. हालेलुया. जाबेज आफ्टर रिसीविंग सो मच रिडिक्यूल, आफ्टर रिसीविंग सो मच पेन, ही स्टिल सोड ऑनर, ही स्टिल वॉज ब्लेसिंग अदर्स. देयर वॉज नेवर अ मीन वर्ड दैट केम आउट ऑफ हिज माउथ एंड दैट्स व्हाई ही वॉज ऑनरेबल. How easy it is to judge somebody. How easy it is to pronounce judgment on somebody. Can we say, oh, I will stand with you, brother? Can I tell you the biggest betrayal we do is we don't pray for people. सबसे बड़ा दगा हम कब करते हैं पता है? जब हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो धोखा देना होता है. क्योंकि हम कहते हैं हम प्यार के लोग हैं, हम मसीह की लोग हैं, हम लोगों के लिए प्यार करते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. ये हमारे मुंह पर होता है मगर दिल में नहीं होता. इसके लिए लोग कलीसिया में आना पसंद नहीं करते. हमें जाबेज जैसा बनना है. हालेलुया. जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो हम पर आके रुक जाएगा. आमीन. यू नो हमारे बाप दादाओं ने जो किया वो हमारे पीढ़ी से आगे नहीं जाएगा. हालेलुया. आमीन. हम तक भले ही झूठ का कारवां चलता आया था मगर यहां से सच का शुरुआत होगा. हम तक शायद लोग एक दूसरे की निंदा करते थे मगर हम आदर बोने का काम शुरू करेंगे. आमीन. हम तक पर भले ही लोग जो है लोगों एक दूसरे से नफरत किया करते थे मगर हम प्यार करना सिखाएंगे. भले ही उसके लिए हमको जो है लोगों के ताने सुनने पड़े, जिल्लत उठानी पड़े, मगर कलीसिया को यही करने के लिए बुलाया गया है. दिस इज व्हाट चर्च इज कॉल्ड टू डू, बी ऑनरेबल. आमीन. जाबेज ब्रोक द साइकिल ऑफ बिट्रेयल अमंगस्ट ब्रदर्स. हालेलुया. देयर वाज समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट जाबेज. Do you know that the only other person in the Bible, the whole Bible, who prayed saying, God bless me, was Jabez's great-great-grandfather? Who? Jacob. These are the only two people, yahi do log hai, jinke vishay mein Bible kehti hai, ki wo Parmeshwar ke paas gaye, aur unhe Parmeshwar se kaha, हमें आशीष दे. टू पीपल, बोथ देयर नेम्स हैव ब्रॉट देम शेम एंड पेन, ऑल इन द सेम फैमिली. याकूब का नाम क्या था? कि ये लोगों को धोखा देता है. उसका बायोडेटा क्या था? कि इसने अपने ही भाई को ठग लिया. इसने अपने बाप को धोखा देकर भाई की जायदाद हड़प ली. ये उसका बायोडेटा था. उसके बाद उसने क्या किया? क्योंकि उसको अपने भाई से डर लगा, वो भाग गया. इतना सारा धोखा देकर प्रॉपर्टी हत्या लिया, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को वो खुद उसका मजा नहीं ले पाया. जाकर क्या करना पड़ा? किसी और की गुलामी करनी पड़ी.
मगर वहां भी परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। लेकिन क्योंकि उसने धोखा बोया, याकूब ने भी धोखा पाया। आमीन। उसने 7 साल रेचल के लिए गुलामी की, मेहनत किया, काम किया, मगर उसके ससुर ने उसे धोखा दिया, अपनी दूसरी बेटी से उसकी शादी कर दी। और उस धोखे में से बेटा जन्मा यहूदा, और वो खानदान आगे बढ़ा और एक दिन पैदा हुआ याबेज, जिसका नाम ही दर्द था। जब याकूब ने प्रार्थना की कि मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देता, I will not let you go till you bless me. वो कह रहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने कहा ठीक है, बोल तेरा नाम क्या है। कहता है मेरा नाम याकूब है। बोलता है आज से नहीं, आज से नहीं, आज से नहीं। See, when Jacob asked God for the blessing, he was not a poor man. जब याकूब ने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे आशीष दे, वो गरीब नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है ये होने से पहले उसने अपना सारा धन, उसके सारे जो जानवर थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से को इस तरफ से भेजा, दूसरे हिस्से से इस तरफ भेजा और कहा जाकर तुम मेरे भाई से जब मिलो ये सारा धन उसको देना। गिव हिम दिस मनी, गिव हिम ऑल दिस कैटल, एंड व्हेन ही सेज व्हाट इज दिस फॉर, से योर सर्वेंट जेकब हैज सेंट दिस। ही वाज अ रिच मैन हु वाज सेइंग गॉड My blessing will be when you change my name. My blessing will be when you change my testimony. My blessing will be when you take my reproach away from me. मेरे लिए आशीष वो होगा जब तू मेरे नाम को बदल देगा। मेरे लिए आशीष वो होगा जब तू मेरे नाम से जुड़े हुए शर्म को मेरे जीवन से निकालेगा। इसके लिए परमेश्वर से कहता बता तेरा नाम क्या है। कहता मेरा नाम जेकब है, मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम धोखा देने वाला है। वो कहता आज से नहीं, says, आज से तेरा नाम इज़राइल है। यू नो व्हाट इज़राइल मींस? हाँ, इज़राइल मींस द वन हु डिड नॉट लेट गो। वो जिसने उसको छोड़ा नहीं, वो जिसने हाथ परमेश्वर का तब भी नहीं छोड़ा जब उसका पैर टूट गया था। परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, आज से तो इज़राइल होगा। And he was happy. And the same thing, it's not written about Jabez, but he said, God, would you please bless me? God, would you please extend my boundaries? प्रभु मुझे आशीष दे, मेरी सरहदों को बढ़ा। बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जाबेज का नाम बदल दिया, मगर बाइबल ये जरूर कहती है कि जो कुछ जाबेज ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ, प्लीज इसमें से थियोलॉजी नहीं बनाए, बट मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जाबेज से कहा होगा मैं आज तुझको आशीष देता हूँ। और शायद परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा होगा कि आज से जो तेरा नाम ले वो भले ही तेरा इतिहास याद रखे कि तुझे कभी दर्द कहा गया था, मगर आज तेरे बारे में ये कहा जाए कि दर्द तेरा नाम है मगर दर्द तेरा फ्यूचर नहीं होगा। हालेलुया। हे लिसन, I know you want me to bless you, and I will, and I want to believe that God would have said, it was your past that they called you pain. Maybe they will call you Jabez all the days of your life, but that will not be your testimony when you die.
Hallelujah. He says, God, bless me. Two broken people, and from their brokenness, they called on God. And they said, God, would you please bless us? I don't know what you are carrying. I don't know what brokenness you are carrying. इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको धोखा दिया, क्यों आपका दिल टूटा हुआ है, क्यों आप ऐसे हालातों में हो, मगर परमेश्वर अगर आप उसे आज आवाज दोगे, वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है. Amen. Why? Because of the most honorable son, Jesus, who came into this world. Hallelujah. Can you imagine this house of betrayal? ये खानदान जिसमें धोखा था पहली पीढ़ी से, उसी खानदान से यहूदा का शेर यीशु मसीह पैदा होता है. हम आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण हुआ होगा. हमारी सभाएं मुंबई में दो जगहों पर होती हैं. हम आपको ये भी बता दें कि हमारी एक सभा यूएई अबू धाबी में भी होती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए टेलीफोन नंबर्स या ईमेल एड्रेस के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं. एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि हर शनिवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक हम आपके साथ होंगे. अगले हफ्ते भी आपसे मिलने के लिए, आपसे परमेश्वर की बातें करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ. आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी. तब तक प्रभु आपको बहुत आशीष दें.